आज के बाद जब मैं GTA 5 की जब मैं स्ट्रीमिंग कर रहा था, सडनली मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे मेरे पास व्यूज आने लगते हैं, बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं, रेड 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 रेड। मैंने ये क्या हो गया? फिर कमेंट आते हैं लाइव इंसान। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए दिन के एक और नए ब्लॉग में। जब बहुत सारा काम आपको करना होता है ना, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, तो उस टाइम में ना सो जाता है। आज मैं तो वैसे ही कुछ हुआ। मुझे याद है कॉलेज में बहुत सारे असाइनमेंट्स आ रहे थे ना, एग्ज़ाम के पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो ज़्यादा सो जाओ। सारे प्रॉब्लम से एस्केप करने का एक छोटा तरीका, सो जाओ। और मैं सो गया। अभी 2-3 घंटे बीत चुके हैं, 2-3 घंटे के बाद एक्चुअली यहाँ पे जो कल वाला अपने ब्लॉग देखे ना, वो वहीं पर एंड होने के बाद मैं सो गया था। उसके बाद अभी उठा। अभी वैसे ज़्यादा काम नहीं है मेरे को, एक वीडियो बनाने की शिकी की स्क्रिप्ट वगैरह सब रेडी करनी है मैंने, पर वही सोच रहा हूँ उसको बनाऊँ तो बनाऊँ कब, अभी बनाऊँ या फिर रात को बनाऊँ जब सब सो जाते हैं, सन्नाटा होगा। अब सो गया हूँ तो बस एडवांटेज भी है कि मैं रात को जाके बना सकता हूँ। लेकिन एक इंसान है जो जितना भी सो ले उसने नींद कभी पूरी नहीं पड़ती। अरे ये कहाँ गया? मैं इसकी बात कर रहा था, शायद ऊपर चला गया भैया के साथ। अभी मेरे को पता चला हम किसी डिस्को में जाए, गाना फिल्म का था इसी का, मुझे लगता था शायद आँखियों से गोली मार है ना, इस फिल्म का था किसी डिस्को में जाए। इस फिल्म में छोटी मियाँ बड़ी मियाँ भैया का सब फिल्म देखेंगे, तो मैं क्यों नहीं देखूँ फिल्म, मैं भी फिल्म देखूँगा। इसलिए भैया हमारा सिम्बा भी फिल्म देख रहा है, सिम्बा भी देख रहा है, बड़े मियाँ छोटी मियाँ, ये छोटू बीवी। हाँ सो जाओ तुम, सो जाओ तुम, सो जाओ सो जाओ, लेटे लेटे फिल्म देखा आराम से। चिंबू चिंबू क्या कर रहा है चिंबू, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है चिंबू, चिंबू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है चिंबू। ये देखिए जो काम सुबह हो जाना चाहिए था वो मैं अभी क्या टाइम हो रहा है 9:30 बजे निपटा रहा हूँ। पर ठीक है मैं सो गया था, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोने की वजह से मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बेटर और भी वीडियो बन पाई है, क्योंकि अदरवाइज फिर दिक्कत होती। प्लस जब से मैं PC पर एडिटिंग करनी शुरू करी है तो जो रेंडरिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा क्विक हो गया, बहुत ज़्यादा। जनरली मुझे जो वीडियो एडिट करने में टाइम लगता था वो कुछ 15-20 मिनट लगेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर जो रेंडरिंग का टाइम होता है जो पूरा रेंडर हो रहा है इसमें आई थिंक ज़्यादा टाइम लगता था, कुछ 5-6 मिनट के आसपास लगता है। लेकिन आप देखो कितनी क्विक, बहुत क्विक हो रहा है, बहुत क्विक। मेरी प्यारी वाली मम्मी को मेरे लिए पॉपकॉर्न बना दी है, मैं प्यार कर इसलिए बोल रहा हूँ कि मम्मी को मैंने नींद में उठाया पॉपकॉर्न बना दे के। दर्द का वादा है। अच्छा जब आप कहती है मेरे को सुबह से छोड़ के आने के लिए, जब बिल्कुल नींद में 2 घंटे छोड़ के आता हूँ तब आपको दर्द नहीं आता कुछ? फिर एक दिन साल में जब जब बोलती है आप सब्जी लेके जाने के लिए, सब्जी लानी है। चल अब देखो खुद ही एक्सेप्ट करनी है, खुद ही एक्सेप्ट करो फिर। मैं भी हफ्ते में एक ही बार ही कहता हूँ पॉपकॉर्न लेना, हफ्ते में 2 बार कहता हूँ। और ये जो अब स्पाइडर मैन देखने गए थे डब्बा लेके आ गए थे, अभी ये पॉपकॉर्न ही खा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मंगा लो डिब्बे जो आते हैं ऐसे, अरे कबाब लो ऐसे ऐसे, बहुत सारे प्लास्टिक यूज एंड थ्रो वाले हो जाएंगे फिर, वो परात तो फिर गंदी हो जाती है, परात तो मच भी जाती है, तो वही तो कह रहा हूँ उसको फेंक दिया, पैसे नहीं जाएंगे इसमें, 100-150 जाएंगे। रास्ते में नहीं चलो, आ जा मेरे रूम में, आ जा आओ आओ। भाग गया, देखना भी भाग गया अंदर। हाँ वो खाना के लिए, चलो आओ चलो चलो आओ आओ चलो चलें घूमी घूमी, अरे चलना नहीं है मेरे से उठ जाता है, आओ चलो। अरे हाथ तो निकाल बीबू, चलो आओ चलो, बिस्किट खिलाऊंगा बिस्किट खिलाऊंगा, बिस्किट खाना है सिम्बा को, सिम्बा बिस्किट नहीं खाएगा, बिस्किट हाँ बिस्किट नहीं चलना, आओ चलो चलो चलो, नहीं जाना भाई आज इसको नहीं जाना, मेरा खाना आया नहीं कि हम पहले आ गए। कैसे आ गया बस बैठ जाएगा,
हमेशा रोज आके साथ में बैठ जाएगा, जिस भी टाइम पे कोई इंसान खाना करे साथ में आके बैठ जाएगा कि मुझे भी खिलाओ, मैं भी खाऊंगा खाना, मैं भी आपके साथ खाऊंगा, आप सिर्फ अकेले क्यों खाओगे, बस ऐसी 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 खा लेगा, ऐसी खा लेगा। वैसे तो ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स देखा हुआ है, बट बहुत सालों के बाद मैंने फिर से देखना शुरू किया। आई थिंक लास्ट मैंने फ्रेंड्स कॉलेज में देखा 2014 2015 में, उसके बाद फिर से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट, मतलब सीजन वन एपिसोड वन से स्टार्ट किया देखने के लिए, और उसने खा लिया मैंने प्लेट में राजमा चावल। तो जो आज का फैक्ट ऑफ द डे है भाभी, जो टच स्क्रीन फोन वगैरह, जो ये पैड वगैरह शुरू हुए, फोन शुरू हुए, फर्स्ट टच स्क्रीन फोन या फर्स्ट टच स्क्रीन डिवाइस कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ होगा, क्या लगता है, और किसने शुरू किया होगा, और किसने शुरू किया होगा, किसने शुरू किया होगा, कंपनी, ठीक है। वैसे मेरे दिमाग में नोकिया आया था, लेकिन जो फर्स्ट टच स्क्रीन डिवाइस था वो आया था ईयर 1992 में, IBM ने शुरू किया था, उसका नाम लगा गया था IBM साइमन। 1992 में फर्स्ट डिवाइस बना था टच स्क्रीन था, ऑल दो फिर उसके बाद नोकिया ने भी निकाला था, सैमसंग, लेकिन जो प्रॉपर जो प्रोडक्शन शुरू हुई वो एंड्रॉयड से पहले ही शुरू हो गई थी, जावा फोन आते थे उस टाइम पे, 2008-2009 में जावा फोन आते थे टच स्क्रीन, लेकिन उनका रिस्पॉन्स बहुत स्लो था, लेकिन फिर ऐसे एंड्रॉयड आया फिर तो फिर तब सब टच स्क्रीन। और एज यूजुअल मैं दोपहर को सो गया थोड़ी देर, अब क्यों आ रहे हैं, मैं सुबह 4:30 बजे सोता हूँ, फिर 8:15 उठ जाता हूँ, नींद तो पूरी होती नहीं है, तो दोपहर को सोना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं अपना काम वाम सब कुछ करके सोया था, तो अभी ज़्यादा बस काम है नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी, व्लॉग इतना अभी तक बना है उसको एडिट कर लिया मैंने, और बाकी बस अब आज की रात की स्ट्रीमिंग की तैयारी कर लेता, और ये मैंने सेट कर दी है आज शाम के लिए अपनी स्ट्रीम आ जाएगी, हो जाएगा 8:30 बजे से 8 बजे के आसपास स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। मम्मी भूख लग रही है, मैगी बन रही है, मम्मी फिर सब सब्जी वब्जी वाली बनाना प्लीज, हाँ सब्जी वाली अच्छे से बना दे करो, थोड़ी मतलब सब्जी वगैरह डाल के अच्छे से प्लीज 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 देखो फिर सब आपको सब्जी दिला के लेके आऊँगा, थैंक यू। हेलो हेलो, इसमें 3 मिक्स्ड है, टॉप रेमन, एक पैकेट मैगी और चिंग्स की, भयंकर गर्म होगी, नहीं कटेगी ऐसे थोड़ा ना कट जाएगा, वैसे ही खा लो, ध्यान से खाना, कैसे करेंगे मम्मी, पक्का छुपा लिया बेचारा सिम्बा को, बेचारे को अटेंशन दे रहा तो सिम तो सिम्बा अपने पास जाके ले जाके बैठ गया, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई सिम्बा से प्यार नहीं करता। तो दोस्तों जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो मतलब कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं कि मैं नॉर्मल सा ईयर जाएगा, नॉर्मल अपने गेमिंग कर रहा था, आप लोगों को दिखाया भी 3-4 वॉच मतलब वॉचिंग होती जब मैं गेम स्टार्ट करता हूँ। आज के बाद जब मैं GTA 5 की जब मैं स्ट्रीमिंग कर रहा था, सडनली मैं नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे मेरे पास व्यूज आने लगते हैं, बहुत सारे कमेंट आने लगते हैं, रेड 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 रेड, मैंने ये क्या हो गया, फिर कमेंट आते हैं लाइव इंसान, निश्चय ने मेरे चैनल को रेड किया, एंड मतलब गाइस इतना 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 अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था, इतना अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, इतना ज़्यादा मैंने सच में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मेरे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है उस टाइम, तो मेरे को सच में रोना, आप मेरा पूरा लाइव स्ट्रीम अवेलेबल है, एक्चुअली मैं आप सबसे कहूँगा कि लाइव इंसान के चैनल पर जाके आप लाइव स्ट्रीम देखो, ज़्यादा बेटर तरीके से दिखेगा, क्योंकि मेरे पे आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा, डिस्प्ले कुछ इशू हो गया था, आप प्लीज़ आके लाइव इंसान के चैनल पर जाके देखो, ज़्यादा बेटर आपको दिखा। निश्चय ने मेरे को शाउट आउट दिया, थैंक यू सो मच निश्चय, ये यू हैव नो आइडिया हाउ मच इट मीन्स टू मी यार, इट मीन्स टू मी सो मच।
दोस्तों एक साइड न्यूज़ में अभी नोटिस किया कि मैंने बहुत सारे जो कैप्चर किया था उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं होती यार। क्या ना बिना वॉइस को उसको प्ले करता हूँ, बीच में मैं म्यूजिक लगाऊंगा। बस में ये है कि मेरे घर वालों का रिएक्शन था, मेरी भाभी भैया पापा मम्मी उनका रिएक्शन था कि जब मैंने बताया कि मैं चैनल पे ट्रिगर लाइव इंसान ने या फिर निश्चय ने रेड मारी है, लेकिन उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, पता नहीं क्यों यार क्यों। तो यहीं तक रखते हैं आज के ब्लॉग को, और पता नहीं मैंने सोचा भी था दिन कैसे शुरू हुआ कैसे ख़त्म होगा, क्या बोलूँ मैं। आज का कोट ऑफ द डे भी आप लोगों में क्या दूँ, आज का कोट ऑफ द डे तो आई डोंट थिंक सो देने की भी ज़रूरत है कि आज सच में एक चमत्कार हो गया कि वीडियोस बनाते बनाते स्ट्रीमिंग करते करते आज सडनली लाइव इंसान निश्चय ने रेड मार दिया चैनल पे एंड इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, बूस्ट मिल गया चैनल को, और मैं क्या ही बोलूँ। वाह बहुत अनएक्सपेक्टेड था यार। तो बस यही कहूँगा आप लोगों से, कुछ भी ना आप कर रहे हो तो बस करते रहो करते रहो करते रहो, क्या पता कब किस दिन आप लोगों को ऐसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाए, राइट प्लेस एट द राइट टाइम हो जाए। एंड आई डोंट नो व्हाट टू से रियली, मेरे पास कोई वर्ड्स भी नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप अभी आए तो सब्सक्राइब कर देना व्लॉग को, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। और जो ऐसा कोट ऑफ द डे है वो ये है कि अ हैप्पी सोल इज द बेस्ट शील्ड टू द क्रूअल वर्ल्ड, अ हैप्पी सोल इज द बेस्ट शील्ड टू द क्रूअल वर्ल्ड। ठीक है, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be my vision?